हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है केजीटी की हिंदी पे। आज हम तो डिस्कस करने वाले कि आरआरसी ग्रुप डी के अंदर रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर किस जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं और यहाँ पे टोटल फॉर्म कितने भरे गए और सबसे ज़्यादा कंपटीशन कितने, मतलब कौन से जोन में है, वो डेंजर जोन कौन सा और सेफ जोन कौन सा है, जो कट ऑफ के हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है। 1.31 करोड़ मतलब 1,31,00,000 के समथिंग टोटल यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि कौन से जोन में कितना कंपटीशन है, वो यहाँ पे लगातार हम देखते रहेंगे और उस वीडियो के साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको लगातार देखते रहिए। देखिए, आपको सीधा फोटो के ऊपर लेके आ चुका हूँ, जो मेरे खुद के हाथों से यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। आपके लिए चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो कैसे बताया जाएगा, यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा आरआरसी जोन्स, यहाँ पे जोन्स बताए गए हैं, टोटल जोन्स 16 जोन्स है वो बताएंगे, और कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं और वैकेंसी कितनी है और कंपटीशन कितना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको एक्यूरेट डेटा बताया जाएगा और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन और फॉर्म फिल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जहाँ पे कट ऑफ वहाँ कम जाती है, जहाँ वैकेंसी अच्छी हो और फॉर्म फिल कम हो तो वहाँ चांसेस कम बनते हैं कि वहाँ कट ऑफ कम जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्थन रेलवे दिल्ली, पहला तो पहला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हम पहले जोन की बात करते हैं, तो नॉर्थन रेलवे दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ पे टोटल फॉर्म 26,07,934 टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं, और यहाँ पे वैकेंसी की बात करें 13,153 टोटल वैकेंसीज है, और कंपटीशन बात करें एक वैकेंसी के ऊपर 198, मतलब करीबन 200 के करीब कंपटीशन है इसमें एक वैकेंसी के ऊपर, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, मैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं 11,66,076, यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं। यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 10,873 वैकेंसीज है, और कंपटीशन की बात करें तो 108 पर सीट के ऊपर कंपटीशन। हम आपको बता दें सबसे ज़्यादा अभी तक का अपन बात करें कि कंपटीशन कहाँ पे है, तो वो दिल्ली के अंदर ही है, सही बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ मैं आपको, सबसे ज़्यादा डेंजर जोन यही माना जा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे साउथर्न रेलवे चेन्नई की बात करें तो यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप किए गए 9,04,592 यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप किए गए, और यहाँ पे वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9,589 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है, और यहाँ पे कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे 94 कैंडिडेट यहाँ पे वैकेंसीज है, वो सॉरी कंपटीशन है, ठीक है। अगर हम अगली बात करें कि अगर वेस्टर्न रेलवे की मुंबई की बात करें तो यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप किए गए 9,92,980 टोटल फॉर्म यहाँ पे फिलअप किए गए हैं, और यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात करें 10,734 वैकेंसीज है, और 92 पर सीट के ऊपर कंपटीशन है, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके सामने 4 जोन डिस्कस किए, उसके अंदर सबसे डेंजर जोन की बात करें अभी तक नॉर्थन रेलवे दिल्ली आ रहा है, और सबसे जो मतलब कट ऑफ कम जा सकती है वो वेस्टर्न रेलवे मुंबई आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 92 कंपटीशन ही आ रहा है, ठीक है, पर सीट के ऊपर कंपटीशन, मतलब आधा, एग्जैक्ट आधा बोल सकते हैं हम, दिल्ली से आधे से कमी है, लेकिन एग्जैक्ट आधा बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगले जोन्स की हम बात करते हैं, जो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 5वें नंबर के अगर जोन की हम बात करें, यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं वो है 9,06,512 टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं, और यहाँ पे वैकेंसी की बात करें यहाँ पे 9,345 टोटल वैकेंसीज है, और कंपटीशन की बात करें तो 97 पर सीट के ऊपर यहाँ पे कंपटीशन है, जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब हम बात करें 7, 6 नंबर जोन की, तो यहाँ पे साउथर्न सेंट्रल रेलवे की बात कर लेते हैं, सिकंदराबाद, ठीक है। इसमें टोटल फॉर्म फिलअप किए गए 9,49,756 टोटल फॉर्म फिलअप किए गए, और यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 9,03,928 टोटल वैकेंसीज है, और यहाँ पे पर सीट के ऊपर कंपटीशन है 101 पर सीट के ऊपर कंपटीशन है। हम आगे बात करें, 6 जोन डिस्कस कर चुके, बाकी 10 जोन और बचे, आपको सारे वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि वो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए कौन सा जोन कहाँ पे बेस्ट रहेगा, कौन सा बेस्ट है, ठीक है। हम बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 7वें जोन की, जो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7वां जोन बात करें तो साउथ वेस्टर्न रेलवे की बात करें, हबली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें अगर टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं तो यहाँ पर 6,73,828 टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं, और अगर वैकेंसी की बात करें यहाँ पे 7,167 टोटल वैकेंसीज है, और यहाँ पे कंपटीशन पर सीट के ऊपर हम बात करें तो 94 पर सीट के ऊपर कंपटीशन है। और अगर हम अगले अगले टॉपिक की बात करें, अगले जोन की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, जिसमें टोटल फॉर्म फिलअप किए गए 9,53,767 यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप किए गए, और यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात कर ले तो यहाँ पे वैकेंसीज हैं
5,259 टोटल वैकेंसीज है, और कंपटीशन की बात कर ले 188, 181% कंपटीशन है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम नॉर्थन जो दिल्ली की बात की थी उससे भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी उससे थोड़ा कम है, लेकिन वह कंपटीशन अच्छा है इसमें भी, ठीक है। अगर हम नोवे जोन की बात करें तो साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और इसमें टोटल वैकेंसी सॉरी टोटल फॉर्म फिलअप किए गए 4,94,338 टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं, और यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी यहाँ पे 4,914 टोटल वैकेंसीज है, और 100 पर वैकेंसी पर ऊपर पर सीट के ऊपर यहाँ पे कंपटीशन जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम 10वें जोन की बात करें, यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई किया होगा, यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप किए गए 9,18,342 टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें 4,730 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है, और हम कंपटीशन की बात करें 194 टोटल एक सीट के ऊपर कंपटीशन है, जो भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, किसके बाद भी ज़्यादा है ये दिल्ली के बाद में थोड़ा कम और जयपुर से ज़्यादा है, ठीक है, ये जोन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी जा सॉरी जो अपने कट ऑफ पे काफ़ी ज़्यादा जा सकती है, ठीक है। अगले जोन की हम बात करें, यहाँ पे वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप कितने किए गए हैं, 5,31,668 टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं, और यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 4,019 टोटल वैकेंसीज है, और पर वैकेंसी के ऊपर कंपटीशन है 132 पर वैकेंसी के ऊपर यहाँ पे कंपटीशन है, 132 पर सीट के ऊपर कंपटीशन है। अब हम आगे चलते हैं, इतने जोन हम 11 जोन डिस्कस कर चुके हैं, बस 5 जोन और बचे, फिर आपको बताएंगे क्लियरली क्या है क्या नहीं है। अब हम चलते हैं 12वें जोन की ओर, जो आपकी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर कंपटीशन की बात करूँ तो यहाँ पे 6 लाख सॉरी जो अपने वैकेंसी फुल फॉर्म फिलअप किए गए वो कितने हैं, 6,24,849 टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं, यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो 4,002 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है, और यहाँ पे कंपटीशन पर सीट के ऊपर देखा जाए तो 156 पर सीट के ऊपर कंपटीशन है। अब यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे ये यहाँ पे अगर हम फॉर्म फिलअप कितने किए गए, 5,76,380 यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप किए गए, यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 3,562 मतलब 3,562 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है, और पर सीट के ऊपर कंपटीशन देखा जाए तो यहाँ पे 161 स्टूडेंट पर सीट के ऊपर कंपटीशन है। अगर हम 14वें जोन की बात करें, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटाइन रेलवे गुवाहाटी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात सॉरी फॉर्म फिलअप किए गए 3,54,287 यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं, यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात करें 2,894 टोटल वैकेंसीज है, और कितने कंपटीशन है, 122 सीट पे सॉरी 122 पर सीट कंपटीशन है, ठीक है। हम 15वें जोन की बात करते हैं, यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे यहाँ पे भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भुवनेश्वर आप थोड़ा क्लियरली देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको भुवनेश्वर है, यहाँ पे अगर फॉर्म फिलअप किए गए हैं और 3,19,218 टोटल फॉर्म फिलअप किए गए, और यहाँ पे अगर वैकेंसी बात करें 2,555 2,555 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है, और पर सीट के ऊपर कंपटीशन देखा जाए तो यहाँ पे 124 पर सीट के ऊपर कंपटीशन है, ठीक है। अब हम लास्ट लास्ट जोन की बात कर लेते हैं, वो साउथ ईस्ट रेल सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल फॉर्म कितने फिलअप किए गए, 2,78,615 टोटल फॉर्म फिलअप किए गए, और यहाँ पे अगर सीट जो वैकेंसीज की बात करें 1,664 यहाँ पे वैकेंसीज है, और 167 पर सीट के ऊपर यहाँ पे कंपटीशन है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो इसमें आपने ये तो देख लिया होगा कि कौन कौन से जोन में कितने वैकेंसी और कितना कंपटीशन, हम आपको बता देंगे जो जोन है उसमें सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी कट ऑफ जा सकती है, तो पहला जोन आता है दिल्ली, जिसमें जो पहले वैसे RRB में देखा जाए तो चंडीगढ़ आता था, और उसमें हमेशा कट ऑफ ज़्यादा जाती थी, तो ये दिल्ली आपकी बार फिर से ज़्यादा जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे जोन की बात करें इलाहाबाद में, इलाहाबाद में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे वैकेंसी सॉरी कट ऑफ ज़्यादा आई जाएगी, और हम तीसरे जोन की बात कर लेते हैं, वो है अपना जयपुर, जयपुर में भी कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगी। अगर हम जो सेफ जोन बता रहा हूँ, सेफ जोन में वेस्टर्न है, एक तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, जिसमें 92 के करीबन ही कंपटीशन है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई में कंपटीशन कम है, ये एक सेफ जोन माना जा सकता है। अगर हम दूसरे जोन की बात करें
तो यहाँ पर हम बात करें वेस्टर्न रेलवे, जबलपुर भी ठीक है। जबलपुर से हम पहले देखेंगे तो हबली, हबली है ना साउथर्न वेस्टर्न रेलवे हबली, यहाँ पे 94% के ऊपर ही कंपटीशन है, ये भी सेफ जोन माना जा सकता है, ठीक है। और अगर अगले की बात करें तो यहाँ पे साउथर्न रेलवे कोलकाता, ठीक है, यहाँ पे 100 जने 1 सीट के ऊपर है, तो ये भी ज़्यादा सेफ जोन में माना जा सकता है। मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सटीक जानकारी बताई है, तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो केजरीटेक हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसको आप सबसे पहले देख सके। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन ज्वाइन होना है तो मैं लिंक दे दूंगा, और मेरे बाकी वीडियोज़ के लिए जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आपने मुझे कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, बने रहे हमारे चैनल के साथ।